योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो, ये संभव ही योग कहलाता है। A very good morning to our respected viewers. As we all are aware that today, that is 21st of June, International Yoga Day is observed all over the world as mandated by the United Nations. Its objective is to highlight the importance of the practice defined as the practice for physical, mental and spiritual well-being of people at the same time. So let us start this beautiful morning with a lovely prayer, for which I would like to invite Siddharth. Before moving ahead, I want to share a very interesting thing with all of you about why International Yoga Day is celebrated on 21st of June. According to the stories of yoga, Shiva first gave the knowledge of yoga to his 7 disciples. It is believed that on the first full moon day after the summer solstice, these 7 sages were given the teachings of yoga, and so this day is also celebrated as Shiva's incarnation. This time is also known as Dakshinayan. It is also said that during this period, if a spiritual practice is done,
The nature also provides support or cooperation to achieve spiritual goods. Now, to know some more about International Yoga Day, let us see an interesting video. Was an amazing video. Yoga proves very beneficial in the life of a student too. It increases concentration level, decreases stress level, and we all know how important it is to keep ourselves patient and calm during these times. So let us see a yoga performance by two of our Bal Bhavanites. Oh, 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 oh
What a fantabulous performance it was. Now, we are beginning with our live yoga session, and to initiate the same, I would like to invite Kavita ma'am. My name is Kavita. Welcome to all Yoga International Day. आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लगाएंगे पद्मासन. पद्मासन लगाने के लिए हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को साइड में लाते हुए दोनों लेग को स्ट्रेट करना है. लेग बिल्कुल सामने रहेगी, आई कांटेक्ट हमारा बिल्कुल सामने होना चाहिए. उसके बाद हमें क्या करना है, पद्मासन लगाने के लिए राइट हैंड राइट थंब टच करना है, पकड़ना है आपको. उसके बाद लेफ्ट वाली थाई पे क्रॉस करके रखना है. हैंड्स को वापस अपनी जगह पे लेके आना है. उसके बाद लेफ्ट हैंड से लेफ्ट वाले तो हैंड लेग को क्रॉस करते हुए राइट पे आपको लेग की थाई पे रखना है. दोनों हैंड्स को शो करते हुए थंब को फर्स्ट फिंगर से टच करते हुए अपनी नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. आईज को क्लोज करना है, होल्ड रखना है आपको. स्लोली स्लोली अपनी आईज को ओपन करना है और सेम स्थिति में आने के लिए पहले अपने हैंड्स को साइड में लेके आना है, उसके बाद अपने लेग्स को सेम स्थिति में आने के लिए. नेक्स्ट आसन है पश्चिम उत्तासन. पश्चिम उत्तासन करने के लिए हमें अपने हैंड्स को साइड से अप करते हुए फ्रंट में लेके आना है. टोस को टच करना, टोस टच करने के बाद अगर आपसे टोस टच नहीं हो रहे हैं तो आप एंगल के पास से अपने लेग को होल्ड कर सकते हैं. नो इशू, आप होल्ड कर सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली कोशिश करनी है कि अपने हेड को डाउन करें. होल्ड, स्लोली स्लोली अप आते हुए अपने हैंड्स के साथ सेम स्थिति में वापस आ रहे. नेक्स्ट आसन है गौमुख आसन. गौमुख आसन करने के लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थंब को टच करते हुए वज्रासन की स्थिति में लेकर आना. राइट हैंड से राइट लेग को क्रॉस करते हुए नीज के ऊपर नीज को रखना है. ये पोजीशन होनी चाहिए. हैंड्स को अप करते हुए लॉक करना है. वापस सेम स्थिति में आने के लिए पहले अपने हैंड्स को साइड में लेके आना है, उसके बाद अपने लेग को सेम स्थिति में लाना है. नेक्स्ट आसन है योग मुद्रा आसन. योग मुद्रा आसन के लिए हमें पद्मासन की स्थिति में ही आना है. राइट हैंड राइट थंब टच करना है और अपनी थाई पे क्रॉस करके रखना है. लेफ्ट हैंड लेफ्ट थंब क्रॉस करते हुए राइट वाली थाई पे रखना. सेम पद्मासन की स्थिति. दोनों हैंड्स की फिंगर्स को लॉक करना है. बैक साइड से होल्ड करते हुए लॉक करना है और स्लोली स्लोली अपने हेड को डाउन करते हुए फ्लोर से टच करना. जब आप हेड को डाउन करेंगे तो आपके हैंड्स भी आपके साथ ही अप हो जाएंगे
स्थिति में आने के लिए हमें स्लोली स्लोली अप होना है। हेड को अप करते हुए हैंड्स को डाउन लेके आना है और सेम स्थिति में वापस आ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच मैम। वी ऑल नो दैट हाउ योगा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। So we must practice yoga at least 15 minutes a day. Now, I would like to invite Naushad sir to take charge of the assembly. Morning everyone. There is a 3 minutes fixed for each year of yoga. But this year, because of the worldwide epidemic COVID-19, people have been given theme related to this, which will promote our health and wealth. The theme is yoga. I would like to give a short speech on obesity. Nowadays, it has become an enormous as well as fatal health problem. This problem is not only seen in India, but it is prevalent in the other countries also. So obesity is that condition of the body in which the amount of fat increases to extreme level. It has been observed that obese person usually fall prey to diabetes, hypertension, cardiovascular disease, cancer, fat foot, respiratory problems. There are many problems. So obesity can be prevented as well as cured if asanas are performed regularly. So here I'm going to tell you three asanas which are very beneficial for obese person. First is Vajrasana, second Lokasana, boat pose, and third is Trikonasana. So we will discuss procedure, benefits, and contraindication. First asana is Vajrasana. So what is the procedure of this asana? First, you have to stand on your knees like this and bring your big toes together and open your heels apart like this. I'm going to show you. Okay. Join your big toe like this and open your heels and drop your hips on your heels. And sit in this position and back should be straight. And then place your palms on your knees, on your thighs, back should be straight, and eyes closed, and you have to focus on your breath for the next 3 to 5 minutes. यही एक आसन है जो खाने खाने के बाद आप इमीडिएटली परफॉर्म कर सकते हो। इस आसन के परफॉर्म करने के बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी लेवल होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। बट ये आसन आपको डेली परफॉर्म करना होता है। Now let's talk about the benefits of this asana. It is helpful in improving concentration. It enhances memory power. It cures the problem related to menstruation. It cures mental stress. It removes postural defects. It helps in reducing heat. Okay. And now it gives relief from constipation, acidity, and it increases the efficiency of the digestive system. So if you are suffering from knee pain, अगर कोई रिसेंटली आपका कोई सर्जरी हुआ नीज रिलेटेड तो यू शुड अवॉइड दिस आसन। नेक्स्ट आसन इज बोट पोज नौकासन। स्ट्रेच योर बोथ लेग्स फॉरवर्ड लाइक दिस, बैक शुड बी स्ट्रेट, एंड स्लोली लाई डाउन इन शवासन। नाउ एज यू इनहेल लिफ्ट योर लेग्स अप, हेड अप, चेस्ट अप, एंड कॉन्ट्रैक्ट योर लोअर बैक मसल्स and start together and stay here. Stay in this position for the next 30 seconds. So you need to retain this position for the next 30 seconds. Okay. And what are the benefits of this asana? It strengthens the back and abdominal muscles. It tones the legs and arms muscles. It helps remove belly fat and it improves the circulation of blood. And contraindication, if you are suffering from chronic disease, spinal disease, migraine, and asthma, you should avoid this asana. Last asana is Trikonasana. Now slowly stand up. Spread your legs 3 to 4 feet apart. Now,
it depends on your side. If you are going to perform left side, then turn your left to your left side, place your arm side face like this, and as you exhale, bend your trunk to your left side without twisting your hips like this. Okay, stay in this position and try to touch your ankle with your left palm and look over your right shoulder. Stay in this position for the next 30 seconds, minimum 30 seconds. And now, as you inhale, slowly come down, jump and feet together. And what are the benefits of this asana? It strengthens the legs, knees, and arms and chest muscles. It helps in improving digestion and stimulates all the abdomen. It reduces stress, anxiety, back pain, and it helps in reducing the excess body weight. And contraindication of this asana, if you are suffering from diarrhea, low BP, high BP, blood pressure, okay, and back injury and migraine. When we perform asanas, then we should perform meditation after performing any asana, because we need mental relaxation as well as physical relaxation. So we are going to perform meditation. So first of all, you have to sit in any comfortable position, Sukhasana, Padmasana, and both hands chin mudra placed on your knees. Back should be straight, eyes closed, and focus on your breath for the next 2 minutes. Sir, nothing can calm and soothe our souls better than meditation. B.K. Iyengar once said, "Your body exists in the past, your mind exists in the future. In yoga, they come together in the present." Now let's end this beautiful morning assembly by singing our national anthem. I would request all the students to take the stands of national anthem. राधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
So before we end this assembly, I would like to request all the viewers to follow the appropriate COVID protocols announced by the government and to stay home and stay safe. Thank you very much for being with us. Thank you.